Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. द कपिल शर्मा शो जो है वो एक ऐतिहासिक एपिसोड शूट करने जा रहा है क्योंकि आज सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप की पूरी स्टार टीम यहां पे आने वाली. जोरदार तालियां हो जाएं और जोरदार तालियां स्वागत कीजिए हमारे. ओए पजी बाजी, मैंने 1983 की वर्ल्ड कप टीम बोला, 2011 वाली नहीं. पाजी आप मजा आ गया आपको देख के. पाजी पाजी आप यहां कैसे? मैंने कहा क्रिकेटर्स का शो हो रहा है और इनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ. इनमें सारे वो हीरो हैं जी जिनकी तरफ मैं बनना चाहता था. तो आज जब पता चला कि ये शूटिंग कर रहे हैं तो मैं यहीं से निकल रहा था. मैंने गाड़ी इधर मोड़ो, ये किराए के कपड़े पहने और आ गया और ये कुर्सी देख रहा था मैं खाली है. तो ये इससे पहले कि क्यों और आके बैठता, मैंने कहा ये कुर्सी आज मेरी है, आज सारे मेरे हीरोज को मैं यहाँ बैठ के देखूंगा. और आज एक कपिल नहीं, दो कपिल को देखने का मौका मिला. अरे वाह, तो पजी पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. जैसे पजी पाजी ने कहा कि ये हमारे देश के बड़े महान क्रिकेटर हैं, लेकिन 35 साल से ज्यादा हो गए वर्ल्ड कप जीते हुए, ये आज तक खुद ही कभी इकट्ठा नहीं हुए. सो पहली बार हमारे शो में ये होने जा रहा है. तो देशवासियों आज यहाँ होंगे इंडियन क्रिकेट के वो सारे महारथी जिन्होंने 1983 में हमारे देश के लिए पहला वर्ल्ड कप जीत के इतिहास लिखा. तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा कैप्टन ऑफ द शिप, इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, वन एंड ओनली पद्म भूषण श्री कपिल देव जी. ओ अब जोरदार तालियां होनी चाहिए. पाजी देखो हेलो 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 थैंक यू शुक्रिया. हेलो क्लैरिटी चाहिए किसके लिए? पाजी नहीं, और जब भी आपके लिए करते हैं मैं बहुत खुश होता हूँ. मैं सोचता हूँ यहाँ टीवी पे बैठे हुए देखते हुए भी मेरा चल रहा है कपिल कपिल, तो मेरे को लगता है कि ठीक है, काम अच्छा है, नाम अच्छा चल रहा है. पाजी थैंक यू सो मच वर्ल्ड कप जीतने के लिए. और आप जितने पॉपुलर हुए, नहीं तो मेरा नाम ही नहीं रखा जाता आपको पता है. तो जब कपिल पाजी 1983 में वर्ल्ड कप जीत के लाए, तो उस समय पाजी मैं 2-3 साल के थे, तो मेरा नाम ही रखा था, ओए छोटू ओए निक्के इधर आ. तो आपकी वजह से मेरे पापा ने मेरा नाम कपिल रखा. पाजी लव यू पाजी. पर पाजी देखो आपने ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखा, लोग आज 35 सालों बाद भी उसी वर्ल्ड कप पर जश्न मना रहे हैं. पाजी जोरदार तालियां आप. ऐसा बोलते 37 साल, पता नहीं बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हो. अभी यार हाल ही में जीते थे, ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ फिर ये याद मत दिलाओ 37 साल पहले. 37 साल पहले थोड़ा तकलीफ होती है. अभी जस्ट चंद महीने पहले जो वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कपिल. पाजी जी पाजी इससे पहले मैं जरा पाजी के पैरों छू लूं एक बार आके. मैं तू तेरे नाल जब पाजी ठीक ठाक लग रहे हैं तू? ठीक लग रहे हैं पाजी. हाँ मैं भी पाजी आपकी तरह बनना चाहता था और मेरा एक सपना था कि जैसे आपने टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाए हैं, मैं भी कभी 400 विकेट हिंदुस्तान के लिए लूँगा. और भगवान ने 400 विकेटें भी दे दी, बट कपिल देव जैसा सिर्फ कोई नहीं बन सकता. कपिल देव एक ही है. बट थैंक यू पाजी हमें इंस्पायर करने के लिए. और अगर आपने कप नहीं जीता होता ना, वो जो तस्वीर लॉर्ड्स वाली हम नहीं देख के बड़े हुए होते, तो शायद हमारे सपने छोटे रह जाते. और वही एक सपना था हमारा सबका भी कि मैं भी पाजी की तरह वो कप को उठा सकूं और वो फील ले सकूं कि कप उठाने की फीलिंग क्या होती है भारत के लिए. तो थैंक यू पाजी फॉर इंस्पायरिंग अस एंड आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट. लव यू पाजी पाजी एंड आई लव यू. आई लव यू टू पाजी पाजी. थैंक यू पाजी. यू नो बहुत अच्छा लगता है जब इनको बॉल करते देखता था हरभजन को, मैंने कहा
इनका बॉल तो ठीक है, इनका गुस्सा देख के ऐसा लगता था फास्ट बॉलर का एटीट्यूड है. इनका एटीट्यूड फास्ट बॉलर था और थे स्पिनर, और मेरा एटीट्यूड स्पिनर जैसा था, था मैं सीम बॉलर. तो सिर्फ इतना फर्क था. पाजी, जब 1975 में और 1979 में ये दोनों वर्ल्ड कप तो वेस्ट इंडीज ही जीती थी जी, और जब आपकी टीम जो है 83 के लिए खेलने गई, उस समय आपको आइडिया था कि आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? कॉन्फिडेंस क्या था सर टीम का? ऐश थी, कॉन्फिडेंस नहीं था. मज़ा था भाई, मज़ा करेंगे. बट कभी कभी होता है कि आप जाते किसी अलग थॉट प्रोसेस से हो, क्योंकि इतने मैच कभी हम जीते ही नहीं थे. लेकिन हाफ वे थ्रू द टूर्नामेंट ऐसे लगा कि हमारी टीम में वो दम है. कभी कभी आपको अपनी ताकत पता नहीं होती. right. जैसे आपको भी शुरू में नहीं पता था आपका शो इतना बड़ा बनेगा. जी जी. फिर आस्ता आस्ता हुआ ना, ऐसा हुआ. हमारी टीम को भी नहीं पता था, लेकिन दो तीन मैच जीतने के बाद ऐसा एहसास हुआ टीम को, तो फिर आपका सोच बदल जाती है. और शायद वो दो तीन मैचेस के बाद हमें लगा कि हमारी टीम में दम है, हम पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल तक. पर ये नहीं उस समय सोच रहे थे कि हम फाइनल भी जीत जाएंगे. ये मेरी सोच थी एज ए कैप्टन. बट तो दोस्तों 1983 वर्ल्ड कप टीम के कैप्टन तो यहां पर हैं. अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं उन लेजेंड्स को जो इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा थे. सो प्लीज वेलकम वाइस कैप्टन और गजब के ऑलराउंडर मिस्टर मोहिंदर जिमी अमरनाथ. हेलो. एक बार मोहिंदर अमरनाथ जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. सर वेलकम 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 सर. आइए. और जोरदार तालियां हो जाए सलामी बल्लेबाज कृष्णमाचारी श्रीकांत साहब के लिए. अरे सर वेलकम वेलकम वेलकम. हाउ कपिल, हाउ गुड 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 सर. कैसे हैं आप? कैसे हैं? गुड टू सी यू सर. अरे इधर एक कपिल पागल कपिल है, एक है दूसरा हमारा कैप्टन भी ऐसा है. दी सर देखो कौन है उधर. हमारा तो सरदार जी. ओ मिस्टर बज्जी क्या क्या ले भाई, क्या ले, कैसे तू? प्रणाम सर. तुसी तुसी क्या ले? असी बढ़िया सर. मैं तो क्योंकि सब इधर सब सब तुसी किसी वाला है ना. ये पंजाबी है, पंजाबी है, पंजाबी है, पंजाबी है. हमारा ड्रेसिंग रूम में क्या हो सकता है ना, इन लोग की कर रहे पाजी, तू तुसी की कर रहे हो क्या पाजे, पाजी 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 ये क्या रे. अरे मैं मद्रास से आ रहा हूँ. मेरे कुछ नहीं हिंदी उस टाइम में, हिंदी बिंदी कुछ नहीं जानता 83 में ना. सारा मद्रास ये हमारी तेजी तब मिलता और दरवा सुनना नूर दरवा सुनना हमारी. हमारा देश रजनीकांत का देश है ना. और दरवा सुनना नूर दरवा सुनना हमारी. इफ ऐसे एक बार बोलेगा तो 100 बार बोलिया मैंने. रजनी सर का डायलॉग. हाँ ये ना बोल रहा सर. हाँ नहीं ना क्या. हाँ वेरी गुड. नल्ला इरका सर. नल्ला इरका. 80 सांबा नल्ला इरका सर. तमिल कुंजी मत सर. लेकिन सर ने पंजाबी सीख ली कोई बड़ी बात नहीं है. पंजाबी आदमी तमिल सीख गया, ओहो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. पर सर बड़ा मजा आ रहा है आपको देख के. अभी मुझे डर लगने लगा आप मुझे बोलने देंगे भी कि नहीं. एक बार सर के लिए जोरदार ताकत हो जाए. अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं टीम के सबसे. वेलकम सर. वेलकम वेलकम वेलकम. पारी सत श्री अकाल. आओ जी आजी. वेलकम वेलकम सर. वो देखिए आपको देख के डांस करनी है लेडीज. आइए सर प्लीज. सर जहां आपका दिल करता है आप बैठ सकते हैं. इतनी बड़ी सशक्त टीम हमारे बीच, हमारा सौभाग्य आज. मैं भी अपने दर्शकों को बता रहा था, मैंने कहा ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद सारे आपस में कभी इकट्ठा नहीं हुए. तुसी इकट्ठे करते हैं पाजी. देख लो आज ये हमारा सौभाग्य. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. मैं बोला नहीं क्या? बोला नहीं. और एक तुसी आ गया. और एक तुसी आ गया. और दूसरा तुसी अभी आ गया. इतना तुसी देखो. सब लोग तुसी बीसी बांट रहा. हमारा पास है अंग्रेजी वाला भी है ना रोजर बिनी. इनका तमिल की कुछ नहीं मालूम. इनकी इंग्लिश में है. हाँ क्या. अरे पर सर अब सब यहाँ पे हमारे धुआंदार बल्लेबाज यहाँ पे सारी हमारी टीम यहाँ पे इकट्ठा है. तो कृष्णमाचारी सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या करूं सर वैसे ही. आप कुछ भी बोलते बड़ा मजा आता है. सही क्या क्या बात करने चाहिए सर. आपको पता है जब आपकी एंट्री हुई ना उससे पहले वो मैडम नाच नहीं रही थी. मैडम माइक दे दीजिए मैडम को. वो आपको देख के इन्होंने एक्स्ट्रा स्टेप लगाए हैं कुछ.
सर मैं भी साउथ इंडियन की बहुत फेम हूँ. सब लोग मुझे बोलते हैं तू साउथ इंडियन लगती है, इसलिए मैं आपके फेम हो गई. ओ क्या करूँ सर जी, आए ना बाले बहुत अच्छा है. क्या नाम है बोलो. और एक बात, मैं हर रोज साउथ इंडियन खाना बहुत बनाती हूँ, तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड बच्चे सब लोग को हमको राइस बहुत अच्छे लगते हैं. आपका नाम क्या है जी? हीरल, हीरल भावेशी. ओ मुंबई वाला. हाँ मुंबई वाले. बट मैं सब मद्रासी का अच्छा अच्छा पसंद करता है आपका, क्योंकि हमारे सब रिलेटिव्स मद्रास में. ओह वेरी गुड, अच्छा आदमी लोग हैं ना हम लोग. हम चाहे तो साउथ इंडियन डांस भी बता देंगे आपको हमारा. आप इतने जाने चाहिए क्या आपका? अपने जज्बातों पे काबू रखें, अभी तो शुरू ही. तक 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 पाजी, आपकी टीम ने तो 1983 में इतिहास बनाया है, लेकिन आज आप सबकी मौजूदगी ने टीवी इंडस्ट्री में हमारे शो ने आज एक इतिहास बना दिया. बिकॉज हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप सब एक साथ हमारे शो में आए. बहुत बहुत धन्यवाद. जोरदार तालियां होनी चाहिए पूरी टीम के लिए. पाजी अब सारी टीम आ चुकी है. जो मैंने सवाल आपसे पहले पूछा ऑलमोस्ट वही सवाल है कि जब आप सब लोग इकट्ठा हो गए, मैं सारी टीम से जानना चाहता हूँ सर कितनी उम्मीद थी सबको? पहले 3 मैच था, अभी प्रैक्टिस मैच भी आ रही है, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे. पर मुझे सुबह फोन आया, मैं इंग्लैंड में उस समय प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा था 83 में, तो सुबह कपिल का फोन आया, कांग्रेचुलेशंस तेरा नाम इंडियन टीम में आ गया है, वर्ल्ड कप की टीम में. और आई सेड थैंक यू वेरी मच. मैंने जिमी को फोन लगाया, जिमी साथ में खेल रहे थे. मैंने कहा जिमी 1.5 महीने का फ्री पेड हॉलीडे मिल गया हम लोगों को यहाँ. और उसके बाद उम्मीद नहीं थी, लेकिन कप्तान को तो माननी पड़ेगी कि कपिल साहब तो दिमाग में फितूरी था हरदम कि जीतेंगे. एक ओनली वन पर्सन वाह पूरी टीम के अंदर उस समय मैं कह सकता हूँ. फिर अब दूसरा, उसके बाद बाकी लोग भी बताएंगे. मैं ही हूँ क्या हुए? नहीं, मैं थोड़ा 75 का जिक्र बताता हूँ जी. कि जब टीम अनाउंस हुई तो हम बड़े खुश थे. खुश इसलिए कि हॉलीडेज के लिए जा रहे हैं. अच्छा जी. सबसे बड़ी पहली ये. अच्छा वो जमाना था कि हम यहाँ से विदेश कम जाया करते थे लोग. अच्छा जी. तो पहली सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार हम इंग्लैंड जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, जैसे कीर्ति ने बोला है पेड हॉलीडेज है हमारे लिए. और उससे ऊपर सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए यार, इंग्लैंड जा रहे हैं मतलब गोरियां होंगी जी वहाँ पे. मेमे होंगी, उनको देखेंगे जी, उनके साथ जरा ज़्यादा वक्त मिलेगा हमें. अच्छा जी. सब छड़े अपने अकेले अकेले थे, सब शादियाँ हुई नहीं थी किसी की, तो वो था कि वो भी एक ज़माना था. और फिर 83 का दौर कुछ अलग था. 79 में भी मैं था, दिलीप भी थे और यशपाल थे, तो वो भी हमारे हॉलीडेज ही थे. हमारा मैच हो रहा था, हमारा मैनेजर अमेरिका चला गया हॉलीडेज के लिए. अच्छा. कि ये टीम क्या जीतेगी. अच्छा. हौसले इतने बुलंद थे मतलब? बहुत बुलंद थे जी, पूछो ना. तो दोस्तों रवि शास्त्री साहब हमारे बीच आज यहाँ पे नहीं है, और किरमानी साहब थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं. तो सुनील गावस्कर साहब ऑनलाइन हमारे साथ इस समय हैं, वो इस समय गोवा में है. सनी सर हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सनी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. सर आप मिस नहीं कर रहे अपने सारे आपके दोस्त यहाँ पर हैं? हाँ मिस कर रहा हूँ उनको, बड़ी जबरदस्त मिस कर रहा हूँ. अच्छा सनी सर, एक हमारी टीम के ही हैं हमारे दोस्त मिस्टर भरत, इनका क्वेश्चन था कि आप पहले बड़ा स्लो पेस में खेलते थे क्योंकि विकेट भी बचाने होते थे और जिम्मेदार प्लेयर की तरह खेलते थे, तो बाद में फिर क्या किया भरत सर? कपिल पहले वो स्लो खेलते थे, लेकिन जब सामने श्रीकांत जैसा बल्लेबाज जी हो तो सारा गड़बड़ हो जाता है ना जी. तो ये गलती सुनील की नहीं है जी, ये गलती श्रीकांत की है. तो सनी सर जब श्रीकांत सर आपके सामने खेलते थे साथ में आपके, तो आपको क्या प्रॉब्लम आती थी? अरे प्रॉब्लम कोई नहीं, बहुत मजा आता था. अच्छा जी. उनको देखकर जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते थे वो देखकर मजा आता था. और बिल्कुल संदीप ने बिल्कुल सही कहा कि श्रीकांत के साथ ही मेरे गेम में बदल आ गया. अरे अच्छा जी वाह. खुश हो गए अरे तू हंस कर रे, ये ले तू हंस कर रे, ये बहुत तुसी लोग है, बहुत तंग कर रहे मेरे को, तू हंस कर रे. यू नो इनके पास एक बार एक बैठ लिया सनी ने जी, ये बोला चिका एक बार आपके साथ जल्दी में 50 करेगा. एक किया रे एक मैच में. अच्छा. वो क्या ठंग तंग तंग ये सेंचुरी किया उसके साथ न्यूजीलैंड का सामने वर्ल्ड कप सेमी क्वार्टर फाइनल्स में नागपुर में,
जी श्रीकांत क्या खेला उन्होंने शो अस शो अस ना हां हाउ यू हिट द बॉल गॉस कर ना ऐसा क्या खान सिक्सर ऐसा नहीं क्या हो गया अच्छा चुप तो ठंग तो गए ठंग मैं सोचा क्या हो रहा है कपिल देव सुनील गावस्कर खेल रहे हैं उधर श्रीकांत यहां पे मिस किया स्क्वायर कट वो गॉस कर रहे हैं ऐसा ऐसा क्या श्रीकांत तू जानता है कि उस दिन टेंपरेचर था ना या उनका टेम्परेचर ही बहुत हो रहा है उनका उनका क्या हो गया उनका उस दिन में उनका थोड़ा क्या फीवर हो गया अच्छा और कपिल देव बोला कैप्टन तू खेलना चाहिए उनका गर्म हो गया क्या हम आज भी गर्म ही है घर में बैठेगा ठीक है जाके खेल सकता हूँ मार सकता हूँ कपिल देव जाकर बैट कर सकता हूँ बैट करके फीवर में 104 फीवर में 100 किया रे क्या बात तो चलिए ये बड़े किस्से मजेदार हमें जानने को मिल रहे हैं कि बुखार में आप और अच्छा खेलते हैं और हमें पता है आप अपनी फैमिली के साथ हैं और हम आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते जब आपका दिल करे मैडम आपको बुलाए या जो भी आपका मन हो आप धीरे से निकल जाना सर तो एंजॉय करिए सर एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर लव यू सनी सर एक बार सनी सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए और ये बात है कपिल की आपकी अभी अभी शादी हुई है ना हाँ जी सनी सर हो गई जी तो आपको ये पता नहीं चलेगा आपके कुछ 10-15 साल हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब बीवी बोलती है कि चल तो चलना पड़ेगा हाँ जी सर आई अंडरस्टैंड सर और सर यहाँ पे यशपाल जी भी अपनी वाइफ के साथ आए हुए हैं तो हो सकता है ये भी बीच में निकल जाएं फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़